आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑन येलो फीवर, एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस से फैलने वाला डिजीज़ है, तो आज हम लोग येलो फीवर देखेंगे जो, तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो येलो फीवर के बारे में एकदम 100% सभी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको असाइनमेंट मिल गया है कि येलो फीवर, आपको असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना है और उसको प्रेजेंट भी करना है क्लास में, तो आपके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम कंप्लीट येलो फीवर के बारे में आपको मिल जाएगा। और येलो फीवर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बन जाते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सब एकदम 100% क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, येलो फीवर सबमिट ऑन, अभी ये लेटेस्ट सबमिट किया गया है और सबमिटेड टू, ये जिसको आपको सबमिट करना है यहाँ पे आप नाम यहाँ पे डाला जाएगा और सबमिटेड बाय, जिसके जैसे मान लीजिए आप ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ आपका नाम रहेगा और यहाँ पे जिस टीचर को आप सबमिट करते हैं यहाँ उनका नाम रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए येलो फीवर फर्स्ट पे तो यही ना पता होना चाहिए कि ना येलो फीवर बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है। तो ये देखिए लिखा भी, येलो फीवर ये वायरल इन्फेक्शस स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, ये होता तो वायरस से है बट ये फैलता किससे है, मॉस्किटो, तो मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है। तो चलिए देखते हैं आगे, अभी कन्फर्म हो जाएगा कौन सा वायरस होता है, कौन मॉस्किटो कौन सा होता है और कौन सा वायरस होता है, पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए एक एनिमेशन है जहाँ से ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया से लेस इन्फेक्टेड एरिया की तरफ जा रहे हैं येलो फीवर। पहले फर्स्ट पे हम लोग येलो फीवर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की क्या चीज़ है येलो फीवर। तो येलो फीवर जो है, ये देखिए इंट्रोडक्शन आप एकदम अच्छे से ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, येलो फीवर इज ए मॉस्किटो बार्न वायरल डिजीज़, मॉस्किटो बार्न मतलब मॉस्किटो से फैलता है और वायरस से होता है, दैट अकर्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादातर होता है। इट कैन अकर इन मेल एंड फीमेल ऑफ एनी एज, किसी भी एज में मेल और फीमेल में दोनों में होता है। येलो फीवर वायरस बिलोंग टू फ्लेवी वायरस, ये देख लीजिए फ्लेवी वायरिडी फैमिली है और इसका जो वायरस का नाम है अभी आगे कंफर्म हो जाएगा। और ये जो मॉस्किटो होता है ना, वो मॉस्किटो का नाम क्या है, एडीज एगेप्टी, कोई कोई एगेप्टी बोलते हैं, कोई कोई एजेप्टी बोलते हैं, तो एडीज एजेप्टी बोलिए अच्छा लगता है, एडीज एजेप्टी मॉस्किटो एक होता है, मॉस्किटो का नाम होता है, यही जो होता है ये कैरी करता है वायरस को अपने साथ, कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है, कौन, एडीज एजेप्टी, ये मॉस्किटो का नेम है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, येलो फीवर इज एन एक्यूट सिस्टम इलनेस कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। अब ये वायरस का नाम क्या है जो येलो फीवर काज करता है, वो फ्लेवी वायरस होता है। इट इज ए जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक मीन्स होता है एनिमल्स, इसमें यूज होगा जूनोटिक डिजीज, मेनली अफेक्टिंग द मंकी एंड ह्यूमंस, दोनों अफेक्ट होते हैं। येलो फीवर मेक्स द स्किन टर्न येलो, स्किन का जो कलर होता है वो चेंज होकर येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, एंड आफ्टर काज डेथ, और बाद में उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है येलो फीवर से। तो येलो फीवर खतरनाक भी है। ग्लोबल इंसिडेंस देख लेते हैं, ये ज़्यादातर किस एरिया में फैला है, कहाँ पे, देयर इज नो रिस्क ऑफ येलो फीवर इन इंडिया, इंडिया में तो ज़्यादा इसका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से अवेलेबल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ येलो फीवर वैक्सीनेशन ओनली इफ़ यू आर अराइविंग फ्रॉम कंट्री विथ रिस्क ऑफ येलो फीवर। तो ये चीज़ वैक्सीनेशन प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर है। येलो फीवर इज कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में ज़्यादातर ये देखा जाता है येलो फीवर। येलो फीवर वायरस इज एस्टिमेटेड टू अकर, ये देख लीजिए 2 लाख केसेस ऑफ डिजीज एंड ये कितना 2 लाख केसेस और फिर कितना डेथ हो गया 30,000 डेथ हो गया और टोटल 2 लाख टोटल केसेस थे, उसमें 30,000 डेथ हो गए ईच ईयर, प्रत्येक पर ईयर, विथ 90% ऑफ अकरिंग अफ्रीका, 20 to 50% ऑफ इफेक्टेड पर्सन हु डेवलप सीवियर डिजीज एंड डाई। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इपिडेमियोलॉजी देखते हैं, मतलब कैसे ये फैलता है। इपिडेमियोलॉजी में कास्टिव एजेंट आएंगे आपके, रिजर्वायर एंड वैक्टर आएंगे और होस्ट फैक्टर आएगा।
तो कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, फ्लेवी वायरस, फेब्रिकस और ग्रुप बी आरबो वायरस, जो कि कॉजेटिव एजेंट होते हैं येलो फीवर के। ये देख लीजिए रिजर्वायर क्या होते हैं, मंकी एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो में कौन सी, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। ये क्या होते हैं, रिजर्वायर एंड वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर वो होता है जो एक वहाँ से लेके दूसरे एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से लेके दूसरे नॉर्मल पर्सन में काट इंजेक्ट कर दे, वही वेक्टर का काम करता है। होस्ट फैक्टर क्या है, होस्ट फैक्टर जो होता है ऑल एजेस ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब कोई किसी भी एज का मेल एंड फीमेल्स होस्ट फैक्टर हो सकता है। पर्सन इन कॉन्टैक्ट विथ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में ज़्यादा पर्सन कॉन्टैक्ट में रहते हैं फॉरेस्ट के जंगलों में, तो वो ज़्यादा होस्ट फैक्टर काज करते हैं। इम्यूनिटी जो होती है, अगर वन अटैक ऑफ येलो फीवर, अगर आपको एक बार ये फीवर हो गया, गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो आपके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है। जैसे चिकन पॉक्स एक बार जिसके हो गया, उसके नेक्स्ट काफ़ी मतलब 90% चांस ये रहता है कि उसको फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शरीर में डेवलप हो जाती है। तो ऐसे येलो फीवर भी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, अब ये एपिडीमियोलॉजी में इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, क्लाइमेट ट्रॉपिकल विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है ना, आर्द्रता ज़्यादा रहती है तो उस एरिया में। फिर या एंडेमिक एरिया पर्सन डिजीज इन जंगल, मतलब एंडेमिक मींस पर्टिकुलर एक फिक्स एरिया में जैसे जंगल में। सोशल फैक्टर क्या होगा, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मोर पॉपुलेशन फॉरेस्ट जहाँ पे हो वहाँ पे सोशल फैक्टर, अर्बनाइजेशन मीन्स नया शहरीकरण बनाना, उस एरिया में ज़्यादा ये क्या होता है, होने का चांस रहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। चलिए देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड मंकी हो उसको क्या, होमो ये देख लीजिए, होमोगैगस स्पीसीज मॉस्किटो। होमोगैगस एक मॉस्किटो स्पीसीज की क्या है, स्पीसीज है ये, होमोगैमस स्पीसीज किसकी है, मॉस्किटो की। ये बाइट कर लेगा इन्फेक्टेड मंकी को, फिर उसके बाद नॉर्मल मंकी या नॉर्मल मैंस में फिर ये फैलाएगा। ये हो गया इसका क्या, इसका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लीजिए, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये सब आप देख लीजिए, इन्फेक्टेड मैन रहेगा, एडीज, ये एडीज एगिप्टी जो स्पीसीज मॉस्किटो की है वो नॉर्मल मैन में भेजेगा, यहाँ से इन्फेक्टेड मैन में काटेगा, फिर उसके बाद ये वेक्टर का काम करेगा, फिर आपको नॉर्मल मैन में काट लेगा, तो फिर येलो फीवर हो जाते हैं। जैसे ये देखिए दो साइकिल बनाई गई है, इसमें एक अर्बन साइकिल है एक जंगल साइकिल है जंगल में, तो ये देख लीजिए ये अर्बन साइकिल में एडीज स्पीसीज मॉस्किटो और ये जंगल वाली होमोगोगस स्पीसीज मॉस्किटो। अब यह क्या करेगी, एक बार यहाँ से चलेगी ह्यूमंस में बाइट करेगी, फिर उसके बाद एडीज स्पीसीज मॉस्किटो फिर ह्यूमंस को बाइट करेगी, फिर ह्यूमंस में ले जाएगी, तो इसकी साइकिल है। और यहाँ से मंकी में आया, मंकी से होमोगैमस स्पीसीज होमोगैगस गोगस स्पीसीज मॉस्किटो जो है फिर मंकी में काटे, फिर ऐसे ऐसे चलेगी, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट ह्यूमंस में भी जा सकता है, तो ये साइकिल आप बना लेंगे। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब आपको येलो फीवर हो गया फिर उसके बाद ये साइन सिम्टम जब तक अपीयर होते हैं उसी पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो थ्री टू सिक्स डेज इनका इनक्यूबेशन पीरियड होता है, किसका, येलो फीवर का। और ये देख लीजिए पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, मतलब ये पीरियड चलते हैं देख लेते हैं कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड कितना होता है। ब्लड ऑफ पेशेंट इज इनइफेक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 days, 3 to 4 days होता है ये कम्युनिकेबिलिटी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो होता है इनक्यूबेशन पीरियड में ही आते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा, 3 to 4 days लगते हैं अपियर होने में पेशेंट जब से इन्फेक्ट होगा। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी चलिए देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मींस क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी मींस होता है जैसे बॉडी में क्या चेंजेज हो रहे हैं उसी को कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जो चेंज होता है बॉडी फंक्शन, मान लीजिए नॉर्मल चल रहा है, अब उसमें चेंजेज क्या आते हैं। जैसे देख लीजिए इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब इन्फेक्ट होगा वो बाइट करेगा हेल्दी पर्सन को, फिर उसके बाद वायरेमिया हो जाएगा और इंटर द लिम्फाइटिक सिस्टम, जो बॉडी की लिम्फ ऑर्गन
होते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम होता है उसमें इंटर करेगा, फिर उसके बाद स्प्रेड टू होल बॉडी, पूरे बॉडी में, होल बॉडी में इंटर कर जाएगा, फैल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे बॉडी में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन सिम्टम आपको दिखने को मिल जाएंगे, साइन आपके बॉडी में आने लगेगा और सिम्टम जो दिखने लगेगा। तो चलिए साइन और सिम्टम देख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या येलो फीवर के साइन और सिम्टम होते हैं। सम सिम्टम्स इंक्लूड, कुछ सिम्टम इंक्लूड जैसे हेडेक, सिर दर्द होने लगेगा, मसल्स पेन होने लगेंगे, वीकनेस महसूस होने लगेगा, नौजिया घबराहट होने लगेगी, वोमिटिंग होने लगेगा। ये क्या है, सिम्टम्स हैं। और सडन फीवर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का। और सम पीपल्स एक्सपीरियंस ए शॉर्ट पीरियड सिम्टम्स डिसअपियर, कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाते हैं, और सेकेंड फेज में इलनेस काज कर देती है बीमारी जब टॉक्सिक फेज आती है। तो ये देख लीजिए, टॉक्सिक फेज जब आएगी तो हाई फीवर हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगा, जंडिस, स्किन एंड आई बिकम्स येलो हो जाएगा, स्किन का कलर और आई आँख का कलर येलो हो जाएगा, और ब्लीडिंग होने लगेगी, और कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन चलते देख लेते हैं कि कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा कि जिससे पता चल जाएगा कि पर्सन को क्या हुआ है येलो फीवर। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस यूजली एकम्प्लिश्ड बाय टेस्टिंग ऑफ सीरम फॉर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, और एलाइजा टेस्ट किया जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा का पूरा नाम होता है, इसमें एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी या एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। सीरम सैंपल लिया जाएगा और डिटेक्ट किया जाएगा स्पेसिफाइड IgA और IgG एंटीबॉडी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए ईयरली सिम्टम्स क्या क्या येलो फीवर के होते हैं। तो ये देख लीजिए, सडन आंसर्ड फीवर आ जाएगा, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, चिल्स ठंडी लगने लगेगी, सीवियर्स हेडेक मतलब भयानक दर्द होने लगेगा, क्या सिर बैक पेन होने लगेगा, जनरल बॉडी ऐसी हो जाएगी, फैटीग एंड वीकनेस थकान और वीकनेस होने लगेगा, नौजिया एंड वोमिटिंग, हाई फीवर, सीवियर केस अगर हो जाता है, अगर इसका क्योर ना किया जाए तो सीवियर जब केस हो जाता है तो हाई फीवर पर्सन को हो जाती है, और ब्लीडिंग एंड शॉक में पर्सन जाने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग और शॉक में, फिर येलो डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड द वाइट ऑफ द आई, पूरी स्किन जो है वो वाइट हो जाती है, और धीरे धीरे जब सीवियर हो जाता है तो उसकी आई भी एकदम वाइट होने लगती है। ह्यूमन येलो फीवर सिम्टम्स ये भी देख लीजिए, यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, फर्स्ट पे दिया गया फीवर, सेकंड पे हेडेक, और थर्ड पे ब्लीडिंग, कहाँ से, माउथ, नोज, आई, स्टमक से, और फोर्थ नंबर पे वोमिटिंग दिया गया है, और फाइव नंबर पे लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगी, सिक्स नंबर पे रीनल फंक्शन डिटेरियोट मतलब आपका जो किडनी का फंक्शन होता है वो भी चेंज हो जाएगा, और सेवन नंबर पे एब्डोमिनल पेन भी शुरू हो जाएगा, तो एब्डोमिनल पेन भी शुरू हो जाएगा, और एट नंबर पे देखेंगे जंडिस हो जाएगा। जंडिस में आपका सबसे अधिक इफेक्ट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लीवर इफेक्ट होता है, तो ये जान लीजिएगा जंडिस में। चलिए अब आगे चलते हैं, पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पूरा जब कंप्लीट कोई चीज़ देखेंगे तो लंबा तो समय तो टाइम तो लगेगा, तो आप लोग को दो मिनट में सब कुछ देखना है, तो दो मिनट में इतना तो हो नहीं पाएगा, वीडियो आपको पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए, पूरा कंप्लीट जानकारी के लिए तो वीडियो लॉन्ग देखना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि जादू चलेगा दो मिनट में सब कुछ हो जाएगा, टिकटॉक वीडियो तो है नहीं। तो चलिए आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसमें RT-PCR करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है, CBC करेंगे, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली ब्लड टेस्ट सबसे अधिक तो अब जैसे कोई बुखार दो चार दिन में वीकनेस होता है तो तुरंत आप जाते हैं तो CBC तुरंत वहाँ पर डॉक्टर चेक लिख देता है। CBC में क्या टेस्ट किया जाता है, जैसे जितने में ब्लड में जो सेल्स होते हैं वही किया जाता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स उसमें जो होते हैं WBC RBC हीमोग्लोबिन्स प्लेटलेट्स यही सब इसमें CBC में चेक किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स क्या, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सो द इफेक्ट फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स, सिर्फ इसके जो सिम्टम्स आपको अपियर होते हैं उसी को कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम को देखते हुए दवा देते
देनी चाहिए, मिलती है। प्रोवाइड आईवी फ्लूइड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज लगती है। मेंटेन ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं टू रिस्टोर द ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड भी दिया जा सकता है। डायलिसिस फॉर किडनी फेल्योर, अगर किडनी फेल्योर हो गया है तो डायलिसिस भी किया जाता है। और एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक में पेन जब होता है तो एनाल्जेसिक देते हैं, अगर टेम्परेचर डाउन करता है तो एंटीपायरेटिक्स देते हैं। एंटीपायरेटिक्स में पैरासीटामॉल दिया जाएगा, बट यहाँ देख लीजिए एनाल्जेसिक में जो पेन को रिलीव करता है बट उसको एस्पिरिन कभी नहीं देंगे। एस्पिरिन भी एनाल्जेसिक ही होता है, पेन को दर्द को कम करता है, बट एस्पिरिन नहीं दिया जाता इस केस में, क्योंकि एस्पिरिन का थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ये क्या कर देता है अल्सरेशन काज कर देता है ना, तो एस्पिरिन अवॉइड करेंगे इस केस में येलो फीवर के केस में। चलिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेते हैं कि इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, रोकथाम क्या है येलो फीवर के। तो येलो फीवर मच्छर के ही द्वारा होता है ना, मच्छर काटने से, तो मॉस्किटो नेट यूज करेंगे जिसको मच्छरदानी कहते हैं, जब रात में सोएंगे तो मॉस्किटो नेट लगा लेंगे। कीप द सराउंड क्लीन, आपके चारों तरफ उसको क्लीन करेंगे कि मच्छर ज़्यादा ना रहें। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं क्रीम आते हैं या रिपेलेंट, या आप वो लगा लेते हैं घर में कमरे में, आप जो आती है रील्स आती है वो लगा लेते हैं, तो वो चीज़ मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर लेंगे। डंप आउट एनी स्टैंडिंग वाटर नियर एवर होम, आपके घर के चारों तरफ अगर कोई डंप है, मान लीजिए गड्ढा है, वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर पानी ठहरा हुआ है, तो उसको वहाँ से निकाल देंगे पानी को, क्योंकि उसमें मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, लार्वा अधिक रहते हैं मच्छर के। फिर उसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीनेशन से ये भी होता है कि दोबारा होने के चांस कम हो जाते हैं, तो वैक्सीन करेंगे सब क्यूटेनियसली, ये वैक्सीन दिया जाता है 0.5 ml में दिया जाता है। फिर इम्यूनिटी बिगेंस टू अपियर ऑन द 7th day, तो अगर वैक्सीन हो जाता है तो 7 दिन में आपको ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिस पेशेंट को ये वैक्सीन लग जाती है। फिर ये देखिए वैक्सीन कौन सी लगती है, उस वैक्सीन का नेम क्या है, तो ये देख लीजिए स्टामर रिल वैक्सीन होती है ये, इसका फ़ोटो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये वैक्सीन है किसकी, येलो फीवर की ये वैक्सीन है, सीधे सीधे ये लिखा गया है येलो फीवर वैक्सीन लाइव स्टेबलाइज्ड। ये देख लीजिए स्टेमरिल, स्टेमरिल जो होती है स्टेमरिल ये किसकी वैक्सीन होती है, येलो फीवर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि येलो फीवर की वैक्सीन है नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, तो अगर इस बीमारी को कैसे जागरूक किया जाएगा कि नर्स के द्वारा, तो ये देखिए प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एट कम्युनिटी लेवल फॉर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर डिजीज़ जो है इसके बारे में उसको कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ एजुकेट किया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखना है, क्या क्या कि येलो फीवर ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एडवाइज द पीपल्स एंड फैमिली टू क्लीन दियर सराउंडिंग, मतलब पीपल्स एंड फैमिली पे चारों तरफ ये भी उसको एडवाइस करेंगे कि अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें। इनकरेज करेंगे, उसको बढ़ावा करेंगे कम्युनिटी टू डैम द स्टेग्नेंट वाटर, मतलब ठहरे हुए वाटर को वो हटा दें वहाँ से, ये भी इनकरेज करेंगे। एडवाइस द पेशेंट फॉर नेट एंड टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, तो साफ सुथरा पानी भी पिए और जो भी है। नेक्स्ट चलिए इनकरेज द पीपल ऑफ कम्युनिटी टू यूज मॉस्किटो नेट का यूज करें, अवॉइड द यूज ऑफ एस्पिरिन फॉर द पेन, कोई भी शरीर का पेन हो रहा तो एस्पिरिन दवा ना लें। और बी कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक फ्लूइड रिच डाइट एंड बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, ये सब पूरा एडवाइस किया जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट कितने मिनट की वीडियो, 18 मिनट की वीडियो हो गई पूरे कंप्लीट करने में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आपको भी जानकारी ज़रूर मिली होगी, आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो चलिए अगर आपको कोई और डिजीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे तो मैं किसी ना किसी डिजीज़ पे वीडियो बनाता ही रहूँगा। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट आपका ये हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और जो भी नोटिफिकेशन होगा कोई किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करें, चैनल पे विजिट करें, देखें कि चैनल पे किस चीज़ का प्रिपरेशन किया जाता है। वैसे मेडिकल से संबंधित फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।